तो तुम्हारा क्या प्लान है आज? विक्रम, मैं तुमसे बातें कर रही हूं। विक्रम, दिस इज टू मच। जब से डैड की डेथ हुई है तुम मुझसे ढंग से बात ही नहीं कर रहे। तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे पापा को मारा है। ऐसा ही समझ लो, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो आज पापा जिंदा होते और हम लोगों के साथ इसी घर में रह रहे होते। मगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत है? कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? मैं हमेशा से चाहती थी मगर वो ही नहीं माने। ना उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद था और ना ही मुझसे बातें करना। प्रिया, we were a family. और परिवार के लोगों को थोड़े दिन उनके साथ रहकर या उनका दिल जीतकर तुम खुश कर पाती, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? दिल, दिल जैसी चीज थी उनके पास? हाँ, अगर कुछ था तो वो था ढेर सारा पैसा। मगर ऐसा पैसा किस काम का जो ना तो वो खुद पे खर्च करते थे और ना ही अपनी एकलौती औलाद पर। इतने बड़े घर को छोड़कर रहने लगे एक छोटे से घर में। क्या उनको पता नहीं था कि उनके जाने के बाद उनकी दौलत जायदाद कहां जाएगी? हमारे पास ही तो आएगी। इसलिए तुमने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया और उनके मौत की राह देखती रही। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारे पापा के मर जाने की वजह से मैं बहुत खुश हूं तो यही सही, जो सोचना है सोचो। मगर भगवान के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम अब तो ऐसी बातें मत करो। एनीवेज, मेरा आज किसी से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, वो मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम्हारे लिए क्या क्या जरूरी हो गया प्रिया। You are impossible. तुमसे तो बात करने में भी डर लगता है। डर तो मुझे लगता है प्रिया कि बाहर वाले कहीं तुम्हें गलत ना समझ बैठे। Oh God. मैंने आपके कहने पर आपका काम कर दिया है। आप मुझसे अभी मिलना चाहती थी मगर सॉरी, मैं अभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा। शाम को मैं आपके पास एक आदमी भेज रहा हूँ, वहीं सब कुछ फाइनल कर लेंगे। ये प्रिया क्या काम करवाने की बात कर रही थी जिसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं? और ये फाइनल करने की ये कौन सी बात है? कहीं पापा की मौत के पीछे प्रिया का हाथ तो नहीं? ये रही मिस्टर मदान के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर मदान का खून किसी धारदार हथियार से गला काट देने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके पिताजी की मौत रात को 1 बजे के बाद हुई है।